आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने परसों ये लेक्चर किया था, जोमैटो डिलीवरी बॉय, लखनऊ में बहुत ही दुखद घटना सामने आई थी और इस घटने ने काफ़ी ज़्यादा हम सबको दुखी किया था। लेकिन दोस्तों जब आरोपियों से पूछा गया तो उनका कुछ और कहना है। अब डिबेट छिड़ गई है कि क्या ये वाकई में सच बोल रहा है। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं ये लेक्चर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप पर ये वाला लेक्चर पूरा कवर किया था कि जो ये घटना हुई, तो कल अगर कुछ सामने आता तो आप लोग मुझे गरियाओगे, आप लोग मुझे मैसेज करोगे सर आपने तो ये बोला था वो बोला था। इसीलिए भैया दोनों पक्ष के सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है। कासिम आबिदी जो कि एडीजी हैं इधर ईस्ट जोन के, उन्होंने बोले ये कि अभी तक कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए, हम दोनों तरफ से ही सुनवाई कर रहे हैं। जो यहाँ पर विनीत कुमार रावत ने बोला और जो यहाँ पर आरोपी अभय सिंह और अजय सिंह बोल रहे हैं, हम दोनों को ही सुन रहे हैं। और उसके बाद फिर मुकदमा तो चलेगा ही भाई, इन्वेस्टिगेशन होगी, FIR तो दर्ज हो ही गई है, धारा तो लगी गई है, तो देखेंगे जो सामने आएगा। लेकिन यहां पे जो आरोपी है, आरोपी पक्ष क्या बोल रहा है उसको भी जानना जरूरी है। तो दोनों चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्सा है। SC/ST एक्ट 1989 ये सशक्त करता है क्योंकि आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन है, गांव में शहरों में आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन कई बार SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, ये कोर्ट ने भी माना है, ठीक है। तो वही चीज है कि ये जो केस है ना ये काफी बड़ा है। और अगर केस की बात करें तो भारत में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे, और ऐसे केसेस की बात करती ये किताब डेविल्स एडवोकेट, हालांकि इस पर एक मूवी भी बनी थी, इस किताब पे नहीं एक अलग से मूवी थी डेविल्स एडवोकेट। लेकिन इस किताब को अब आपको पढ़ना नहीं है, ये एक ऑडियो बुक है। अच्छा अब ये ऑडियो बुक और बुक समरी है, मतलब ये ऑडियो बुक है और ढेरों ऐसी बुक समरी आप सुन सकते हैं। कहां पे सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। अगर कुकू FM की बात करें तो भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ इनकी रेटिंग्स है, 1000+ घंटे का कंटेंट है। सारी किताबें जितनी भी बेस्ट सेलर्स रही हैं वो आपको कुकू FM पे सुनने को मिलेगी। आपको पढ़ना नहीं है, अब आप सुन लीजिए बुक समरी और ऑडियो बुक के फॉर्म में। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। इनका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो वैसे तो 399 का होता है, लेकिन इस कूपन कोड को लगाने में जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, इसको लगाएंगे तो वो सीधा 199 पे हो जाएगा। यानी कि पूरे साल भर आप सिर्फ 199 रुपए आपको पे करने हैं और आप ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करेंगे उसे, गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और नॉलेजेबल बनिए, ज्ञानी बनिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि हुआ क्या, ठीक है। देखिए जोमैटो डिलीवरी बॉय ये लखनऊ का केस था। हुआ ये कि भाई रात में 8 बजे के करीब एक फैमिली ने खाना ऑर्डर किया। अब ये खाना लेके आए विनीत कुमार रावत, 25 साल के हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो अब आरोप ये लगा कि इन्होंने नाम पूछा जो खाना लेने आए थे, अभय सिंह और अजय सिंह के ऊपर आरोप लगा है कि अभय सिंह ने नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जोमैटो डिलीवरी बॉय ने अपना नाम बताया। अब जैसे ही जोमैटो डिलीवरी बॉय ने अपना नाम बताया, ठीक है, उसके बाद यहां से कास्टिस्ट रिमार्क आया कि तुम्हारी जात जो है वो छोटी है और हम तुमसे खाना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और थूक दिया। यहां पे जब विनीत कुमार ने बोला कि आप खाना नहीं ले सकते तो ठीक है ऑर्डर को कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं किया, इससे मैं गुस्सा के थूक दिया उसके ऊपर, गुटखा थूक दिया और उसके बाद मारा। देखते ही देखते 12 लोग और आ गए, लाठी डंडे से यहां पर जोमैटो डिलीवरी बॉय की पिटाई की और उसके बाद जोमैटो डिलीवरी बॉय भागा, अपनी बाइक छोड़ के भागा और उसके बाद वो छुप गया वहां कहीं पे जाके ताकि ये लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। फिर पुलिस को फोन किया, 112 डायल किया, पुलिस आई, पुलिस ने इसको बाइक दिलवाई और उसके बाद 14 लोगों के खिलाफ यहां पे मामला दर्ज कर लिया है। अभय सिंह और अजय सिंह धारा 523, 147 और 323 के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा मामला था। इनफैक्ट जब इससे इंटरव्यू लिया गया विनीत कुमार ने तो उसने बकायदा दिखाया कि मेरे बहुत चोटों के निशान है, यहां हमारा बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, तो आरोपी पक्ष क्या कह रहा है? अच्छा अजय सिंह और अभय सिंह के ऊपर आरोप लगा है, तो अभय सिंह का ये कहना है कि भाई देखो, मतलब अजय सिंह का ये कहना है कि क्या हुआ था कि मैंने अपने घर में मोमोज ऑर्डर किए थे, हम लोग 4 ही लोग रहते हैं, बस 4 लोग रहते हैं,
अब सबसे बड़ी बात अपर कास्ट की, तो ये बताते हैं अभय सिंह कि भाई मैं खुद ओबीसी हूं। वो अलग बात है कि ट्रू कॉलर पे नाम ऐसा आता है कि लोग मुझे अपर कास्ट, लेकिन मैं खुद ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में आता हूं, तो पहली बात तो मैं हाइक हुई नहीं मैं। उसके बाद क्या हुआ कि बोला कि भाई मोमोज ऑर्डर किए। अब मोमोज जब ऑर्डर किए तो भैया जब विनीत कुमार रावत आए तो भाई मेरा भाई जो है वो बाहर निकला मोमोज को लेने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा रूडली बात की, ठीक है। तो अब मेरे भाई को ना गुटखा खाने की आदत है, तो उसने गुटखा जब फेंका तो छींटे जो है थोड़े बहुत इसके कपड़े पे आ गिरे। तो अब इसने ये बोला कि अंधा है क्या, ठीक है, विनीत कुमार रावत ने बोला। उसमें बहसबाजी शुरू हो गई, उसके बाद फिर ये गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद मेरी जो बहन आई उससे भी काफी ज्यादा दिक्कत है कि काफी अभद्र भाषा का यूज किया। फिर उसके बाद जो है तब तक मैं आ गया था और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। विनीत कुमार रावत जो ये है, विनीत कुमार रावत है, इसने मुझे धक्का मारा, फिर मैंने इसको धक्का मारा। ये आरोपियों का कहना है। हम देखिए किसी को भी वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों साइड, हमने विनीत कुमार की सुन ली, अब इनकी भी सुनना जरूरी है। दोनों साइड सुनिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब इसने धक्का मारा तो हम लोग ने भी धक्का मारा, और उसी में ये इसने बोला कि मैं तुम लोगों को बताता हूं, जोमैटो वाले ने बोला कि मैं तुमको बताता हूं मैं कौन हूं, तुम रुको। और तब तक पड़ोसी भी जमा हो गए थे, पड़ोसी भी सारे के सारे जमा हो गए थे। तो अब उसके बाद फिर पुलिस आई, ठीक है, पुलिस आई। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि चार पांच चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम भाग जाते, लेकिन हम भागे नहीं, हमने पुलिस का डट के सामना किया। पुलिस आई, जो भी उन्होंने सवाल पूछे हमने सब कुछ बताया। दूसरी बात यह है कि मेरे घर में दो जो खाना बनाते हैं, दो लोग ऐसे हैं वो खुद एससी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और जब उनसे पूछा तो जो भाई खाना बनाते हैं, मेड है, उनसे पूछा तो बोला कि भाई अभय सिंह और अजय सिंह ने तो मेरी बहुत मदद की है, हमको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमको अगर अभी जैसे घर बनवाने की प्रॉब्लम थी तो इन्होंने हमारे पैसे दिए, हम तो खुद यहाँ पे खाना बनाते हैं। फिर उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि भाई जोमैटो में क्या होता है ना कि आ जाता है, पता लग जाता है कि कौन फूड डिलीवर कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हमको ऐसा कुछ होता भी, हमको ऐसा कुछ भनक भी लगती, तो हम उसी समय ऑर्डर कैंसिल कर देते, हम क्यों लेते उससे ऑर्डर, है ना भाई। जब भी आप ऑर्डर करते हो ना तो वो नाम आ जाता है कि कौन ला रहा है, डिलीवरी बॉय कौन है। तो अगर ऐसा हमको लगता तो हम उसी समय कैंसिल कर देते ऑर्डर, सिंपल सी बात है। और उसके बाद फिर पड़ोसी भी आ गया, पड़ोसियों से पूछ सकते, जब पड़ोसियों ने भी यहाँ पे अभय सिंह अजय सिंह का साथ दिया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ पे डिलीवरी बॉय की गलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोला गया कि भाई 12 लोगों को कैसे बुक किया, हम चार ही लोग हैं खाली, पूरी फैमिली में ही चार लोग हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, बस चार ही लोग हैं फैमिली में, तो 12 लोग कहां से आ गए, कहां से डंडे मारने लगे, ये आप बता दीजिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आरोपी पक्ष ने बोले, और उन्होंने बोला कि भाई देखिए हम बिल्कुल तैयार हैं, सीसीटीवी कैमरा है, आपको जिससे पूछताछ करनी है पूछ लीजिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यहां पे गलती जो है वो पूरी की पूरी डिलीवरी बॉय की थी, है ना। तो ये आरोपी पक्ष का कहना है, लेकिन यहां पे एक दो सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले ये विनीत कुमार रावत ने यह बोला है कि मेरी बाइक जो है उन्होंने ले ली थी और पुलिस आई, पुलिस ने मेरी बाइक को छुड़वाया, ठीक है, ये यहां पे आरोपी पक्ष का, ये विनीत कुमार रावत का कहना है। तो ये पुलिस वेरीफाई करेगी क्या ऐसा वाकई था, ये तो फिर सवाल खड़े करता है। दूसरा भाई चोट के निशान तो थे, चोट के निशान, अब उसमें जब मेडिकल होगा तब पता चलेगा कि वो किस तरीके के चोट के निशान थे, कैसा था। लेकिन दोनों पक्ष को दोस्तों जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि अब विनीत कुमार रावत शायद गायब हो गया है, वो मतलब नहीं आ रहा है, तो अब ये तो खैर देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हमने विनीत कुमार का भी पक्ष बता दिया और हमने यहां पे आरोपियों का भी पक्ष बता दिया। आरोपी इसको बिल्कुल नकार रहे हैं, अभय सिंह, अजय सिंह, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप कहीं से भी पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, सीसीटीवी कैमरा खंगाल लीजिए। यकीनन दोस्तों इस तरह की घटनाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा दुखी करती है। बिल्कुल इक्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे संविधान में भी आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, ठीक है। लेकिन हमको साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि कोई इस चीज का आपको राइट्स दिए तो इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये पुलिस को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही हमको तरफ लेके चलना पड़ेगा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फिलहाल ये आपके सामने पूरा का पूरा मैंने जो इंसिडेंट हुआ था वो रख दिया है, विनीत कुमार रावत ने क्या बोला और आरोपियों ने क्या बोला, बाकी जो भी आगे पता चलेगा हम देखेंगे और हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये मैंने इसीलिए वीडियो किया, कुछ लोग बोलेंगे सर क्या ये वीडियो कर दिया, लेकिन एक्चुअली मैंने ये वीडियो परसों कर चुका था, मैं
फिर अगर मैं इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं देता ना, तो फिर आप लोग अभी मैसेज करना शुरू कर देते मुझे कि सर ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, गलत है ये, है ना। तो इसीलिए भाई दोनों ही तरफ का मैंने बता दिया आपको। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।